दोस्तों कैसे हो आप सब। भाई हो बच्चे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं YouTube के कई सारे अपडेट के ऊपर में। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों YouTube ने काफी सारे अपडेट जारी किया है जो आपको पता भी नहीं होगा और जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि YouTube का क्या कुछ अपडेट आया हुआ है जो हमारे लिए आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं स्क्रीन पे बिना टाइम बर्बाद किए। अब इसमें क्या करना है, हमें YouTube ओपन कर लेना है। YouTube एप्लीकेशन का ये अपडेट है। आप सबसे पहले क्या करना, प्ले स्टोर में जाना और वहां से YouTube को अपडेट कर लेना। तो मैं यहाँ पे फटाफट चला जाता हूँ प्ले स्टोर पे ताकि आप सबको क्लियरली सारा का सारा अपडेट देखने को मिल सके। तो यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन मैंने ओपन किया, यहाँ पे यूट्यूब सर्च मारा है ना। यूट्यूब सर्च मारने के बाद यूट्यूब पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रहा है, इसे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने से क्या होगा ना कि जो भी अपडेट आया हुआ यूट्यूब का वो आपको आपके यूट्यूब एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। चलिए इसे अपडेट कर लेते हैं। दोस्तों जब तक ये अपडेट हो रहा है तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी कमाल के अपडेट मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूं। ओके सो यहाँ पे अपडेट हो चुका है कम्प्लीटली। अब इसे ओपन करते हैं। फाइनली दोस्तों हमने यूट्यूब को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे क्या कुछ नया नया अपडेट देखने को मिल रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे कि हमारा जो आइकन ऊपर में हुआ करता था, यहाँ पे आइकन हुआ करता था, अब हमें नीचे में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे होम शॉर्ट एंड क्रिएट करने के प्लस का आइकन वो देखने को मिल रहा है। सबसे ऊपर में बात करें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपको सर्च का आइकन देखने को मिल रहा है। मतलब काफी सारे चेंज हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यू पे क्लिक करता हूँ जो कि मेरा खुद का आईडी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्विच का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ से गूगल अकाउंट पे जा सकते हो। सो यहाँ पे क्या करना दोस्तों, अगर आप इस वाले आइकन पे क्लिक करते हो विजिट चैनल पे तो यहाँ पे आप अपने चैनल पे जा सकते हो। जैसे कि हम अपने चैनल पे आ चुके हैं। अब ये मान लो एक चैनल है मेरा जिसपे 64 सब्सक्राइबर जो भी है। यहाँ पे मैनेज वीडियो एडिट एंड बहुत सारी चीज देखने को मिलेगा। यहीं से आप वीडियोज लाइव प्ले लिस्ट और कम्युनिटी सब कुछ देख सकते हो अपने चैनल का। ठीक है, यहां से क्या करना है, वीडियो पे क्लिक करना है तो वीडियो देखेगा। यहाँ पे मैनेज वीडियो पे क्लिक करते हैं अगर आप यहां से, तो आप यहीं से पूरा का पूरा अपने वीडियोस को एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। एडिट कर लिया, शेयर कर दिया एंड एडिट एडवांस्ड सेव डिवाइस, मतलब कि सेव डिवाइस मतलब डिवाइस में सेव करने के लिए या एडिट वगैरह सब कुछ यहां से आप कर सकते हो। मतलब अपने वीडियोज को मैनेज कर सकते हो ओवरऑल कहें तो, है ना। अपने एनालिसिस चेक कर सकते हो यहां से। इसके अलावा यहां से आप एडिटिंग कर सकते हो अपने चैनल का नाम वगैरह। इसके अलावा कई सारे और अपडेट हैं जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों हम लोग किसी के वीडियो देखते हैं, मान लो हम ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मैं इसका साउंड वगैरह कम करता हूँ, है ना। अगर मान लो वीडियो देख रहे हैं और मुझे आगे बढ़ाना है, मतलब गाना आ गया, म्यूजिक आ गया, सॉन्ग आ गया, मुझे नहीं सुनना है, तो कैसे, अब आप डबल क्लिक करोगे तो एक तो आप कुछ सेकंड के लिए इंक्रीज होता है, 10 सेकंड का फॉरवर्ड होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जल्द से हो जाए तो यहाँ पे सिर्फ आपको प्रेस रखना है और ये आप फास्ट देखो 2x के स्पीड में ये फास्ट हो रहा है ना। फिर से मैं क्लिक करता हूं तो इस तरह से आप सिर्फ प्रेस रखकर इसे 2x के स्पीड में अपने वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब जैसे कि कुछ मैं जैसे आप कुछ देख रहे हो यूट्यूब पे म्यूजिक वगैरह और वो पार्ट आपको स्किप करना है, जैसे गाना बजने लगा, डांस होने लगा, तो आपको स्किप करना है मूवी देख रहे हो तो वहां पे प्रेस सिर्फ रखोगे तो वो 2x के स्पीड में वो चल जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे छोड़ोगे वो रिटर्न आ जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों और जो अपडेट है, जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो तो आप जैसे लिखते हो ना कि सब्सक्राइब बटन लगाते हो, सब्सक्राइब करना चैनल को, या अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अगर आप बोलते हो दोस्तों कि आप जैसे कि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो सिर्फ आप बोलेंगे तो YouTube उसे कैच कर लेगा। और जहां पे आप बोलेंगे ना जैसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो वहां पे आपका जो सब्सक्राइब बटन है वो उछल उछल के जो एक तरह से इमोजी टाइप में होता ना है, सेलिब्रेशन टाइप में, उस टाइप में आपके सब्सक्राइब होने लगेगा। और उससे क्या होगा कि एक ऑडियंस को अच्छे से इम्प्रेस कर सकता है वो, और उस पर क्लिक कर सकते हैं लोग और आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे YouTube ने अपने सिस्टम को इतना इंक्रीज कर दिया है, इतना डेवलप कर दिया है, इतना मॉडिफाई कर दिया है, इतना कुछ चेंजेस किया है, तो
उस चेंजेस की वजह से कई सारे लोगों को काफी प्रॉब्लम भी देने को मिल रहे हैं और कई सारे लोगों को काफी बेनिफिट भी मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों पिछले टाइम मेरी चैनल पे स्ट्राइक आया था, तो क्यों आया था, क्योंकि यूट्यूब ने काफी सारे टर्म एंड कंडीशन के ऊपर में चेंजेस किए हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा जो पुराना वीडियो था उन सब पे स्ट्राइक लगना शुरू हो गया, तो कई सारे दिक्कत हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, इन दिनों काफी सारे अपडेट देखने को मिला जो मैं आपके साथ शेयर करने को इस किया हूं। आने वाले वीडियोस में अगर और भी अपडेट आते हैं कुछ कमाल के तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। कमाल के वीडियो पाने के लिए क्या करना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि हाँ आपको ये कौन सा अपडेट पसंद आया, वो फॉरवर्ड वाला पसंद आया या बोलने के बाद जो कैप्चरिंग कर रहा है यूट्यूब वो पसंद आया या कई और सारे अपडेट हैं वो पसंद आया। फिलहाल एंड करते हैं वीडियो को, ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।